हेलो दोस्तों, मैं हूं महापत्र। आप सभी की स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पहले बता दूं कि अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ 5 न्यू क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। ये करेंसीज नया तो है नहीं, लेकिन अगर यूजर्स नया हो तो उसके लिए ये कॉइन्स बिल्कुल नया है और ये मेरी पसंदीदा कॉइन्स है। तो चलिए जानते हैं ये नया 5 कॉइन्स क्या क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो में पहले ही बात करते हैं फेयर कॉइन के बारे में। फेयर कॉइन एक बहुत ही बड़े ग्रैंड सोशली कॉन्शियस विजन्स का हिस्सा है, जो कि स्पेन बेस्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और जिसे कैटलिन इंटरगेल कोऑपरेटिव और CIC के नाम से भी जाना जाता है। ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज़्यादा सोशली कॉन्स्ट्रक्टिव डिज़ाइन के साथ दूसरे क्रिप्टो करेंसीज की। जैसे फेयर कॉइन माइनिंग और मेंटिंग न्यू कॉइन्स के ऊपर तो ये बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, लेकिन उसके जगह में ये सर्टिफाइड वैलिडेशन नोड्स और CDNS का इस्तेमाल करता है। ब्लॉकचेन जनरेशन के लिए फेयर कॉइन में कॉइन्स को वेरीफाई करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टैक और प्रूफ ऑफ वर्क के बदले में प्रूफ ऑफ कॉपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फेयर कॉइन एक अच्छी कॉइन है। दोस्तों, अब बात करते हैं डैश कॉइन के बारे में। डैश कॉइन की पहले का नाम था एक्स कॉइन और डार्क कॉइन। डैश का अर्थ है डिजिटल और कैश। ये एक ओपन सोर्स पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन की जैसे, लेकिन इसमें बिटकॉइन की तुलना से ज़्यादा फीचर्स मौजूद है, जैसे कि इंस्टेंट सेंड और प्राइवेट सेंड। इंस्टेंट सेंड में यूजर्स आसानी से अपना ट्रांजैक्शंस को पूरा कर सकते हैं, वही प्राइवेट सेंड में ट्रांजैक्शन पूरी तरह ही सेफ होता है, जहाँ की यूजर्स की प्राइवेसी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। डैश में एक अनकमन एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है, जैसे कि X11, जिसकी खासियत है और ये बहुत ही कम पावरफुल हार्डवेयर से भी कंपेटेबल हो जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ही करेंसी को खुद ही माइनिंग कर सकते हैं। X11 बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट एल्गोरिथम है, जो कि स्क्रिप्ट की तुलना में 30% तक की कम बिजली का खपत होता है। अगर आप माइनिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो भी ये कॉइन बहुत बढ़िया है, और डैश के ऊपर अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो भी ये कॉइन यानी कि बढ़िया है। दोस्तों, आप बात करते हैं प्री कॉइन यानी कि PPC कॉइन के बारे में। प्री कॉइन जो कि पूरी तरह बिटकॉइन प्रोटोकॉल पर बेस्ड और जिसकी बहुत सी सोर्स कोड बिटकॉइन और प्री कॉइन में मिलती जुलती है। इसमें ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए केवल प्रूफ ऑफ वर्क पर निर्भर नहीं किया जाता है, बल्कि इसके साथ प्रूफ ऑफ स्टैक सिस्टम को भी नज़र में रखा जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, प्री कॉइन पेयर टू पेयर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की जैसे ही, जिसमें सोर्स कोड का रिलीज किया जाता है MIT या फिर X11 सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंतर्गत। प्री कॉइन भी बिटकॉइन की जैसा ही SHA-256 एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है और इनमें ट्रांजैक्शन और माइनिंग करने के लिए बहुत ही कम पावर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि प्री कॉइन भी मार्केट की एक अच्छी कॉइन है। आप दोस्तों बात करते हैं रिपल यानी कि XRP के बारे में। रिपल कॉइन 2012 में रिलीज हुआ है और जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। रिपल एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी कि RTGS है, जो कि अपना खुद की क्रिप्टो करेंसी भी चलाता है। रिपल्स यानी कि XRP भी कहा जाता है, या बहुत ही ज़्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी है, जिसकी ओवरऑल मार्केट कैप लगभग $10 बिलियन है। इनकी ऑफिशियल्स के अनुसार रिपल्स यूजर्स को सिक्योर इंस्टेंट एंड नियरली फ्री ग्लोबल फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस किसी भी साइज की करने के लिए प्रदान करती है और जिसमें कोई भी चार्जबैक नहीं होती है। दोस्तों, रिपल मेरा भी एक पसंदीदा कॉइन है।
अब दोस्तों बात करते हैं मोनेरो यानी कि XMR। ये असल में बिटकॉइन की फर्क से पैदा हुआ है 2014 में और उसके बाद से काफ़ी नाम कमाए हुए हैं। ये क्रिप्टो करेंसी सभी सिस्टम्स जैसे कि विंडोज, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड फ्री BSD में भी काम करती है। बिटकॉइन की जैसे मोनेरो भी प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन की ऊपर फोकस करती है। बिटकॉइन और मोनेरो में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो है कि बिटकॉइन में हाई एंड GPUs का इस्तेमाल होता है, वही मोनेरो में कस्टमर लेवल CPUs का इस्तेमाल होता है। लेकिन मोनेरो भी मार्केट में एक बहुत ही अच्छी कॉइन है। तो दोस्तों इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा कॉइन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये 5 कॉइन के बारे में ज़रूर एक बार सोचिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।